क्या आप हैं तैयार? आने वाला है देश का सबसे बड़ा त्योहार। कौन होगा 24 का सरदार? क्या विपक्ष की होगी नई अपार? या जनता चुनेगी फिर से वही सरकार? भरतना तहसील है ये, और यहाँ पर आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बड़ी सभा हुई, जिसमें 3 प्रत्याशियों के लिए उन्होंने वोट की अपील की है। मैनपुरी से जयवीर सिंह, कन्नौज से सुब्रत पाठक जी और रामशंकर कठेरिया जी इटावा से। इनकी बहुत बड़ी रैली में आज इन लोगों को आज आए और इनकी वोट की अपील की है। और इससे क्या फर्क पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। आज हमारे बीच जनता है, हम उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इसका क्या नाम है भैया आपका? गंगा दत्त तिवारी, एरवा कटरा से। क्या प्रभाव पड़ेगा आज मोदी की रैली जी से? मोदी जी की रैली से तो एक तरफा माहौल हो गया है जी। हाँ, अब सीट भी कोई भी फंसी नहीं है, ना मैनपुरी की, ना कन्नौज की, ना इटावा की। तीनों सीटें निकल रही हैं? तीनों सीटें निकल रही हैं। अच्छा, क्यों निकल रही? किस विश्वास पे निकल रही? क्या 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 विश्वास है आज? इस विश्वास पे निकल रही हैं कि स्वशासन, सुरक्षा और विकास, इस मुद्दे पे ये तीनों सीटें निकल रही हैं। लेकिन गठबंधन तो कह रहा है कि ये सीटें जो हैं 150 तक सिमट जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं। जनता का रुझान है, जनता वोट दे रही है, जनता समर्थन दे रही है। गठबंधन से कुछ नहीं, जनता के ऊपर निर्णय है। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? बहुत, मैं कहाँ से? औरैया जिला से रहने वाली हूँ। मेरा मेनका शर्मा नाम है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम किया, महिलाओं को तो एकदम बिल्कुल सुरक्षा और खाना पीना हर चीज की सुविधा दी, तो हम महिलाओं बिल्कुल एकदम साथ में हो गए हैं। योगी मोदी जी का बिल्कुल एकदम साथ देंगे मरते दम तक। तो प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? मंजू चौहान है, जिला अध्यक्ष औरैया से। अच्छा जी, मोदी जी की रैली का आज क्या प्रभाव पड़ा? मोदी जी की जो गारंटी है ना, वो सभी तीनों लोकसभा में ये देखने को मिल रहा है कि अब तीनों सीट भी निकलेंगी यहाँ से। जो मोदी जी कहते हैं वही करते हैं, कथनी और करने में अंतर नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो बराबर ये कह रही है कि हम जो 80 में से 80 सीटें जीत रहे हैं। अरे विपक्ष जो है, जो ठग बंधन कर रखा है, वो अब कोई ठगने वाला नहीं है। वो तो कह रहे हैं मोदी जी और योगी जी दोनों झूठ बोलते हैं। भैया विपक्षी का है, उसमें बस मुद्दा ही नहीं कुछ बचा कहने को। जब कुछ है ही नहीं तो वो कहेगा ही क्या? कहना कुछ नहीं उनके पास, झूठा है उनका। तो उनका गठबंधन भी ठगा और जो कहना भी ठगा है। किन किन मुद्दों पर जो है चर्चा? उनके पास मुद्दा ही नहीं है। हम लोग इतनी योजनाएं हैं क्षेत्र में, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, सारी चीजें हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर बेरोजगार ज्यादा है यूपी? ऐसा नहीं है, बेरोजगार ज्यादा है। अब पहले से बेरोजगारी बढ़ी है? ऐसा नहीं है, कहेंगे कहा बेरोजगारी उन्हें दिख रही है। उनके समय में किन की रोजगार थे? यादव छोड़ किन के पास रोजगार थे बताइए? वो तो ढूंढ ढूंढ के यादव को देते थे। तो ये भी अमीर तो उन्होंने यादव को बनाया है, और किसी क्षेत्र को बनाया, किसी अपने परिवारवाद के लिए, अपने जातवाद के छोड़कर किसी को उन्होंने नहीं देखा है। और ये भाजपा पार्टी सभी जातवाद को लेकर, लेकिन अगले जी कह रहे हैं हमने पीडीओ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, पीडीओ को आप लेकर आगे खूब बढ़न दे उन्हें। उनके पास कोई मोदी जी के आगे उनके पास कोई है जिसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? किन्हें बनाएंगे? राहुल को बनाएंगे तो प्रधानमंत्री बनने लायक है भी, और जैसे बोलना तक नहीं आता है। और राहुल और ये अखिलेश बनेंगे प्रधानमंत्री? मोदी जी के आगे कोई टिकने वाला नहीं है। तो इस बार मोदी जी तीसरी बार आप हैट्रिक बना रहे हैं मोदी जी की? हैट्रिक मारेंगे, मोदी जी की पूरी गारंटी है, हैट्रिक पे हैट्रिक लगेगी। अच्छा, कितनी सीटें लेके आएंगे जी? कितनी सीटें लेके आएंगे? 80 की 80 सीटें लेकर आएंगे, 80 की 80 पूरे देश में, 400 पार। क्या कहना चाहेंगे? यूपी से 80 की 80 भाजपा निकालेगी और पूरे देश में 400 पार नहीं, 400 से 450 निकलेंगे। राहुल गांधी जो है रायबरेली चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी हार जाएंगे वहाँ पे। अच्छा तो अच्छा, कैसे हार जाएंगे, क्या कारण है? वो तो कह रहे हैं कि 180 सीटें आ रही हैं, 150 सीटें आ रही हैं। नहीं, वो ऐसे हारेंगे, आलू डालेंगे और सोना निकालेंगे, ऐसे हारेंगे वो। तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा पूरा लोकतंत्र, पूरा भारत सुरक्षित है
और हमारी माताएं बहनें सब सुरक्षित हैं, और इसीलिए रात में अगर जाती थी महिलाएं तो ये डरती थी कि हम घर कैसे पहुंचेंगे। आज सारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं और बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं, हर लाभकारी योजना उन्हें समय समय पर मिल रही है। इसमें सभी संपन्न हैं और सभी खुशहाल हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस सरकार में केवल अधिकारी भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं, अधिकारियों पर अंकुश लगाया जाए। इससे हम योगी जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, अधिकारी जो है उन्हें लूट मचा रखी है, और वैसे इसमें राम राज्य है। अच्छा। केवल अधिकारियों योगी जी के संज्ञान में आना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम राम है। कहाँ से है? हम औरैया जिला से। औरैया में इस समय कौन प्रत्याशी है? सुब्रत पाठक। अखिलेश जी लड़ रहे हैं। तो अखिलेश जी जीत रहे हैं चुनाव, वो कह रहे हैं हम चुनाव जीत रहे हैं। नहीं, क्या स्थिति है उनकी? ऐसा कुछ नहीं है, वो मतलब उनके आदमी है, वो ही कहते हैं जीत रहे हैं, लेकिन जीत तो नहीं रहे हैं। पिछली बार डिम्पल हार गई थी उनसे, सुब्रत जी से, अब की बार भी आ रहे हैं वो। लेकिन इस बार जो है मुसलमान वोट जो है उनके साथ में है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट जो है पीडीए को लेकर चल रहे हैं, अल्पसंख्यक वोट जो है वो उनके साथ में है। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। फिर हर आदमी को कोई जान भी नहीं सकता है, लेकिन हम तो ऐसे मान लो मोदी जी को देंगे वोट, सुब्रत जी को देंगे वोट। यहाँ पर जनता जो है वो न तो सुब्रत जी को जान रही है, न जयवीर सिंह को पहचान रही है, न रामशंकर कठेरिया जी को पहचान रही है। यहाँ वोट केवल जो है केवल और मोदी जी के नाम पर वोट जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ लोगों का कहना है कि बहुत बड़े मार्जिन से सीटें लेकर आएगी और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। ये देखने वाली बात होगी 4 जून को किस तरीके से पासा पलटता है, या तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है या बीजेपी की सरकार बनती है, ये तो आने वाली 4 जून ही बता पाएगी। मैं संजय तिवारी, ASB न्यूज़ से, मेरे साथ कैमरामैन मनोज कुमार।